टोर नाल शडा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिन संडे आज मार्च के टाइम पे भी आप ना अगर बाहर देखेंगे तो मौसम ऐसा लग रहा है जैसे ना मिड सा फैब या फैब के स्टार्ट का मौसम लग रहा है। और एज यूजुअल संडे को निकले हैं हम लोग, लेकिन आज है किसी के घर में दावत, और दावत में वालिद साहब भी साथ ही जा रहे हैं हम लोग। और अपडेट्स में ये है कि रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह कल या परसों में सहरी होगी, तो आप सभी को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। और इस रमज़ान में आप दुआओं में मुझे भी याद रखें, मेरे घर वालों को याद रखें, मेरे वालदेन को याद रखें। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सभी को 5 वक्त नमाजी बनाए, नेकी करने की तौफीक दे, बुराइयों से बचाए, और इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफीक दे। तो उसके बाद है कि भाई बड़ों की इज्जत करो, अल्लाह बुज़ुर्गों का साया बनाए रखे हम पे, और वालदेन की इज़्ज़त करो, अल्लाह उनकी इज़्ज़त करने की तौफीक दे, उनको सेहत याब रखे। तो ढेर सारी आपको मुबारकबाद रमज़ान की। तो हम लोग गामजान हैं अभी, यहीं शोपियन में ही कहीं पे हम जा रहे हैं दावत के लिए, तो आपको दावत के थोड़े थोड़े से शॉट्स ही दिखा पाएंगे हम लोग, बाकी चलिए चेकआउट। शोपियन से निकलेंगे तो फिर कुछ इस तरह का व्यू आएगा आपको। बेसिकली शायद ये डैश कैम पे ना ये मोबाइल उतनी ज़्यादा क्लियरिटी में नहीं करता, आईफोन 14 है इवन दो, तो GoPro इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में तो आपको GoPro से ही होगा। तो सामने चेक करें आप इस तरह की खूबसूरती के मंजर, जब आप शोपियाँ से बाहर निकलेंगे, सोफनामन से बाहर निकलेंगे और फ्रूट मंडी से जाएंगे, तो ये सामने जो पार बड़ी सी रेड कलर की बिल्डिंग है, ये यहीं पे है हमारा आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल, वहीं पे है एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस, और ये कोई प्राइवेट सी बिल्डिंग है बट बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़े साइज में। तो इस तरह का व्यू लेते हुए हम निकलते हैं आगे। ये हल्का है नाज़ीनपुरा, और नाज़ीनपुरा फेमस है अपने एप्पल्स के लिए। एप्पल्स यहाँ बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे होते हैं, और नाज़ीनपुरा इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये है नाज़ीनपुरा, राइट से जब आप नीचे जाएंगे तो इसको नाज़ीनपुरा ही कहते हैं। और यही नाज़ीनपुरा में इस वाले चौक से जब आप लेफ्ट से ऊपर जाएंगे तो आप जाएंगे शर्मालिया, यहाँ से आप जाएंगे शर्माल। तो ये शोपियाँ की आप कह सकते हैं ये शोपियाँ की मेन रोड है जो श्रीनगर के साथ इसको कनेक्ट करती है, मेन है जो पुलवामा से होकर कनेक्ट करती है। अदरवाइज शोपियाँ से इतने ढेर सारे रास्ते हैं, आप कुलगाम और अनंतनाग से जा सकते हैं श्रीनगर, आप वाची से होते हुए संगम से जा सकते हैं, फिर आप इमाम साहब से ट्रेन से होके आप अरिहाल से, और फिर वहाँ से लासीपुरा साइड से भी जा सकते हैं। तो शोपियाँ से आप कहीं पे किसी भी टाइम पे जा सकते हैं। शोपियाँ से आप लोग निकलेंगे तो फिर ये तीसरे वाला विलेज आता है, टेंगवनी बोलते हैं इसको, टुकरू टेंगवनी बस इसी तरह का कोई नाम है। तो ये भी एक फाइनेंशियल सा एरिया है, मतलब आप कमर्शियल एरिया बोल सकते हैं, ज़बरदस्त है। और ये यहाँ की पहचान है, अब दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मस्जिद आप देख सकते हैं, खूबसूरत मस्जिद है, मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में और मेरे बहुत सारी रील्स में है ये बहुत बार, तो मैं अभी उतर के भी आपको ये दिखाऊँगा। ये है यहाँ, और यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे किसी दूसरे एरिया की तरफ, तो चलो देखते हैं। ये है फाइनेंशियल एरिया। जब